मेरे को डेर है कि मैं कितने कितने मिनट तक अंदर रह सकता हूँ। घर पे अगर मैं फ्रिज से निकाल के पानी उससे भी नहाऊं तो इतना ठंडा नहीं होगा यार, इतना ठंडा आज पानी था ये। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के 9:30 बजे हैं, मैं अभी उठा हूँ तो हमारा तंबू है। तो रात ना यार थोड़ा हेडेक ज़्यादा हो रहा था इसलिए मैं सो गया था। ड्यूटी पे था बट मैं 2-3 बजे सो गया था, सो इसीलिए क्योंकि सर बहुत दर्द कर रहा था, हेडेक हो रहा था। तो यार अभी आज ना हम बहुत ही एक मस्त जगह पे जाने वाले हैं, मतलब कल से मैं सोच के रखा था, हम कल भी गए थे और कल मैं कोई शूट नहीं कर पाया, तो आज हम एक बड़ी मस्त जगह पे जाएंगे यार। हाँ आ जाओ, सानू तो लिया मॉर्निंग टाइम तल्लू भाई के साथ, चाय के साथ, बस बड़ा ही मजा आ रहा है यहाँ पे खाने में। भंडारे का जो काम है बहुत जोरों से चल रहा है, बस एक आधे दिन में और बन के पूरा रेडी हो जाएगा, और जब ये पूरा रेडी हो जाएगा मैं फिर से पूरा आपको उसका टूर कराऊंगा, और एकदम 5-स्टार वाली फीलिंग आती है यहाँ पे। पूरा शोर है, सब कुछ ही गुम हो गया यार एकदम से, पता ही नहीं। हाँ हाँ ठीक है, ब्रश दियो भैया का, 30 रुपए का ब्रश दिया यार, मतलब है तो नॉर्मल सा, ये भी नहीं बोल सकता कि बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है। हम लोग नहाने के लिए जा रहे हैं और नहाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, और ये आम में नहाना नहीं है जैसे हम लोग घर पे नहाते हैं या वहाँ नहा लिए, ये कोई आम नहाना नहीं है, स्पेशल है। और देख के हैरान भी हो जाओगे, सांस फूल रही है यार, चढ़ना पड़ता है इतनी ऊँची जगह, सांस फूलने लग जाती है, ऑक्सीजन की कमी है। ये यहाँ के शौचालय घर बने हुए हैं, जब भी यहाँ पे यात्रा स्टार्ट होती है ये तभी बनते हैं। इसको अभी डिस्ट्रॉय कर देंगे पूरा, इसको उखाड़ के फेंक देंगे और प्लेन जगह बन जाएगी ये। फिर यार मेरे को काफ़ी नीचे जाना है वहाँ पे, मेरे को जाना है वहाँ पे, यहाँ पे वो नहा रहे हैं और मैं जाऊँ किधर से, वो पीछे जाने का रास्ता मेरे को मिला नहीं अभी तक, और मैं देख लूँगा वहाँ से कुछ कहीं तो मिल जाएगा। तो यार बहुत टफ है वैसे, ये नहीं पता मैं जाऊँ बिना नीचे यहाँ पे क्योंकि इतना मुश्किल रास्ता है। आ रहा हूँ हाँ से ये जो जार मैं उतरूँगा और वहाँ पे जाऊँगा, मैं शूट नहीं करूँगा ये बिकॉज फ़ोन का मैं रिस्क नहीं ले सकता अपने का, तो यहाँ से उतरूँगा पहले। वहाँ से मैं आया हूँ, बहुत मुश्किल से आया हूँ यार, यहाँ से बहुत ख़तरनाक रास्ता है ये, और ये वाले पत्थरों के बीच में से मेरे को जाना है यहाँ से। तो फाइनली मैं सेफ वहाँ से पहुँच गया, और वो एक बंदा और आ रहा है हमारा, सेफ यहाँ पे मैं पहुँच गया। तो ये लोग नहा रहे हैं, ये तो शायद किसी कपड़े धो रहे हैं, नहाने का इनका प्लान नहीं लग रहा है मेरे को। तुम क्या नहा लिए यार, सिर पर बाल्टी गिरी और सिर पूरा ऐसे जम गया जैसे बर्फ हो सिर के अंदर। चलो हम भी नहाते हैं, नहा ले यार, नहाए हैं, मैं भी नहाऊंगा अभी, मैं भी देखूंगा क्या एक्सपीरियंस है इसका। ब्रश तो यार ले आए पर पेस्ट भूल के लेके आना, अब बिना ब्रश के सारना पड़ेगा, बिना ब्रश के ही निकालना पड़ेगा आज का दिन। माइनस में हो गया यार ये पानी, सीरियस नहीं उसने भी बताया था कि माइनस में, उसने मैंने टच नहीं करके देखा था, वो आज मैंने लिटरली टच करके देखा और पूरा माइनस में लग रहा है पानी, बहुत ठंडा है यार। बाल्टी हम लोग भंडारे से लेके आए थे, हमारे पास सब सहूलत है, देखो सब फैसिलिटी है हमारे, पानी वानी गंदा सब है, तो पहले मैं अंदर जाके ऐसे देखूंगा, फिर उसके बाद जब बाहर आएंगे तो मतलब देखते हैं। पानी के बारे में क्या कहना चाहते हो? पानी ने दिया भैया जी, आप गाली निकाल रहे हो, वीडियो दिखानी नहीं है किसी को, जय गंजा हमारा मिलिट्री वाला, जय अक्तवादियों को डरता हुआ भागा आया। तो अभी तो कैसे ना कैसे करके तो नहाना ही पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि बिना नहाए तो जाएंगे नहीं, ज्यादा आगे तक नहीं जाऊंगा।
कहते हैं यार मेरा मूह पर लगा हुआ सांस ले पा रहे हो आप सही से? हैं? सांस ले पा रहे हो आप? अरे यार कुछ बोला भी नहीं जा रहा। यार मेरे को डर है कि मैं कितने कितने मिनट तक अंदर रह सकता हूँ। सी देखते हैं मैं कितने मिनट तक अंदर रहता हूँ। अंदर मतलब पूरा अंदर नहीं, मतलब मतलब यहाँ तक। वो वही भी सेकंड तक भी अंदर नहीं रुका हुआ शायद यार मैं। यहाँ अंदर तक नहाना मतलब खुशी करना मरना, ठीक है? और थोड़ी ठंडी के मौसम में नहाना तो भी खुदकुशी करना और मरना। आज तो थोड़ा धूप है इसीलिए हम लोग नहा पा रहे हैं, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल। जय भोलेनाथ। इसका गंडा टूटा है, जाम हो गया यार। बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस था, बोले तो बहुत ही नजायज खतरनाक वाला एक्सपीरियंस। आज तक मैं इतने ठंडे पानी में नहीं नहाया हूँ। घर पे अगर मैं फ्रिज से निकाल के पानी उससे भी नहाऊं तो इतना ठंडा नहीं होगा यार जितना ठंडा आज पानी था ये। मतलब तो थोड़ा धूप है इसीलिए हम नहा पा रहे हैं। अगर थोड़ा ठंडी होता तो बिल्कुल भी नहा पाते। माइनस में है पानी, ये नहीं पता कितने माइनस में है क्योंकि मेरे मुंह में थर्मामीटर है। तो अभी और नहाएंगे थोड़ा सा, मजा नहीं गया थोड़ा सा। हवा चलने लगी है बहुत ज्यादा, अरे यार बहुत एकदम से हवा चलने लगी। डाला डाला घोड़ा खींच मेरी। अगर मैं इसके बारे में कुछ बताऊं तो यार इसकी स्पीड इतनी है, अगर एक बंदा गिर गया ना तो 2 मिनट में वहां तक जाएगा और वहां तक जाते जाते खत्म हो जाएगा। बिकॉज इसकी जो स्पीड है ना बहुत ज्यादा तेज है और ये स्टेबल भी नहीं है, अंदर से ऐसे ऐसे है। तो अगर गिरा तो बंदा नहीं बचेगा, इसीलिए हम इससे आगे तो गए नहीं है यार, इससे आगे तो गए नहीं है। तो बहुत खतरनाक है क्योंकि ऊपर से है ना जो बहुत फास्ट निकल रही है, पहाड़ों में शहर बहुत फास्ट आ रहे हैं, इसी वजह इसका जो मतलब पानी का गोवा है वो बहुत तेज है। कपड़ों को भी डर लगता है यार, अपने आप जल्दी जल्दी धुले जाते हैं, जल्दी जल्दी साफ हो जाते हैं। मतलब टाइम तो से डर लगता है ठंडे पानी से इनको भी। फाइनली हम लोग पहुंच गए ऊपर यार। आजा आजा आज तो तेरी वरना आई आना बू आज रख दे। तो यार अभी हम वापस आ गए वहां से। जो ये वाला हमारा एक्सपीरियंस था बड़ा ही खतरनाक था और हमेशा याद रहेगा। बहुत ही अच्छा मोमेंट भी था और यहाँ आए हैं और ये याद रहेगा हमेशा कि हम लोग इतने ठंडे पानी में भी कभी नहाए थे। देखो यार कितने नीचे है वो, तो इतने नीचे हम लोग सिर्फ नहाने के लिए गए थे, नहाना नहीं बोल सकते इसको, मतलब एक्सपीरियंस लेने गए थे। तो यार आज के लिए बस इतना काफ़ी है। वीडियो अगर पसंद आया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं और वीडियो कैसा लगा
और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। बाय बाय गाइस, लव यू।